अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग से सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिमशा आवान और मैं हूँ मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमत बेपाया से आपका दामने उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमारे प्रोग्राम में सिटी ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं। उनका टैलेंट ये है कि वो स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं। इसके साथ आपको बताते चलें कि वो अपसाइड डाउन पिक्चर बहुत अच्छी बनाते हैं। इसके अलावा लाइव स्केचिंग भी बहुत अच्छी वो करते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा स्केच तैयार करते हैं। और इसके अलावा वो कैलीग्राफी भी करते हैं, बहुत अच्छी वो राइटिंग में बहुत अच्छा। पता नहीं अब उससे उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन इतना टैलेंट है। दावत दी है उनको, उनसे उनको वेलकम करते हैं। मास्टर प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद इम्तियाज अहमद साहब। सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र, हम बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें, मुझे जो यहाँ पे कॉल की, जो यहाँ पे बुलाया। और जो है एक पुलिस का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है, जिसकी बड़ी अच्छी ज़रूरत थी मैं समझता हूँ। तो ये एक जो हमारी एक अच्छी चीज़ है, अच्छा इमेज है पुलिस का, वो लेके आप आ रहे हैं। इम्तियाज सर, एक तरफ आप पुलिस की जॉब कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्केचिंग, दोनों का कोई आपस में मैच नहीं बनता, किस तरह से? ये बचपन से शौक था या बाद में आपको पता चला कि आप स्केचिंग कर सकते हैं? नहीं, चूँकि बचपन से ही मुझे शौक था, मैं करता था, लेकिन चूँकि आगे फिर फील्ड जैसे जाती गई और फिर रेगुलर स्टडी के बाद मैं ट्रैफिक पुलिस में आ गया। तो यहाँ पे भी उसको, चूँकि पुलिस की ड्यूटी आसान नहीं होती, टफ होती है, और उसके साथ ये वाला जो एक फील्ड है स्केचिंग पेंटिंग जो है, या पेंटिंग करना, कैलीग्राफी करना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी इसमें टाइम लगता है। अब बड़े आप अच्छे माइंड के साथ बैठे हों, फिर आप आराम सुकून से उस पर कोई आपकी पहले आपको सोचना जी सोचना पड़ता है, फिर आप कोई इमेजिनेशन आपकी आती है तो फिर आप बनाते हैं। तो ये वाली जॉब के साथ टफ तो था, बहुत मुश्किल था, लेकिन चूँकि शौक था तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा करता आया। लेकिन जब मुझे, मैं एजुकेशन यूनिट में आया ट्रैफिक पुलिस का, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का एजुकेशन विंग है। हम डिफरेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके ट्रैफिक अवेयरनेस, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से हम लेक्चर्स देते हैं। तो वहाँ से मुझे आया कि क्यों ना हम थ्रू पेंटिंग इसको एक्सप्लोर करें, लोगों तक एक मैसेज कन्वे करें। फिर ये था कि फिर साथ मैंने थोड़ा सा स्केचिंग की। हमारे सीटीओ साहब जो थे, कैप्टन लियाकत मलिक साहब, उनका मैंने स्केच बनाया, उन्होंने बहुत तारीफ की, बहुत उन्होंने इवन उन्होंने अपने ऑफिस में भी उनका बनाया था। फर्स्ट स्केच मतलब ट्रैफिक पुलिस में फर्स्ट स्केच उनका था, उससे पहले मैं करता था, प्राइवेटली करता था। तो उनका पहले स्केच बनाया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, इवन उन्होंने अपने ऑफिस में वो लगाया और मुझे जब भी मिलते मेरी बड़ी तारीफ करते। फिर उसके बाद जो हमारे दूसरे सीटीओ कैप्टन हमाद आबद साहब, ये आए तो इनको भी मैंने दिया, इन्होंने भी बहुत तारीफ की मुझे पर्सनली, इन्होंने कॉल की, मुझे बुलाया ऑफिस में और बड़ा अप्रिशिएट किया, तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ। फिर उसके बाद फिर जो इसको बूस्ट मिला मेरे इसको ट्रैफिक पुलिस में, तो वो कैप्टन जो हमारे अभी सीटीओ साहब हैं, कैप्टन हमाद आबिद साहब, ये अलहमरा गए और वहाँ पे उन्होंने, उनके वहाँ पे समन राय साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके साथ उनकी कोई मीटिंग थी, तो उन्होंने वहाँ पे, उनके माइंड में ये आइडिया आया कि हम क्यों ना थ्रू आर्ट अपने ट्रैफिक अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, इस टॉपिक पे हम एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करें और उसको हम फिर लोगों तक एक सॉफ्ट इमेज लेके जाएं, लोगों तक एक मैसेज लेके जाएं। तो इम्तियाज सर, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। को बताते चलें कि अगर आप उस हवाले से प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के पेज को देख सकते हैं। वहाँ पर ये जो बता रहे हैं कि एक एग्जीबिशन करवाएगी जिसमें लोगों को एक अवेयरनेस दी गई कि किस तरह से ट्रैफिक कवानीन को आपने फॉलो करना है, उस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। जी इम्तियाज सर, तो वो सीटीओ साहब का आइडिया था, उन्होंने उसको फिर उनके माइंड में था कि इम्तियाज़ जो है आर्ट से रिलेटेड है, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बताया किस तरह से मैं करना चाहता हूँ। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा, वो बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और पुलिस की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह का इवेंट हुआ जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसको कवरेज मिली और लोगों तक, और स्पेशली हमारी यूथ तक वो बड़ा एक अच्छा मैसेज गया पेंटिंग के थ्रू। बच्चों ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ लेके आए और उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया कि ट्रैफिक का एक इमेज किस तरह से उनके माइंड में। अच्छा सर, पहले भी आपने स्टडी किया था, मतलब आपने, आपका जो बैकग्राउंड था, एजुकेशन बैकग्राउंड, वो आर्ट से या पेंटिंग से रिलेटेड था, या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी ये नहीं है? नहीं, मैं ये मैंने खुद से सीखा है। अच्छा। मतलब कुछ भी था, मेरे अंदर एक जज्बा था, एक लगन थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे दब गई थी, पैशन था, दब गई थी जॉब के साथ। लेकिन जैसे थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये मुझे करना चाहिए,
तो मैंने उस पर जैसे थोड़ा सा एफर्ट डाली तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने वहाँ पे एग्जीबिशन थी वहाँ पे भी मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जी जी। लेकिन वो उन्होंने चूंकि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दी, उन्होंने कहा आप तो जूरी में शामिल हैं तो हम आपको नहीं करेंगे। तो लेकिन वो ओवरऑल जो हमारे पैनल पे थे जो जूरी में शामिल थे उन्होंने बहुत उसकी तारीफ की। मुझे बताइए कि सबसे पहला पोर्ट्रेट, सबसे पहला स्केच आपने किसका बनाया? एक तो पंजाब पुलिस में आपने कैप्टन साहब का बनाया ना, वैसे आपने जिंदगी में किसका सबसे पहला स्केच बनाया? सबसे पहला जो था मेरे ख्याल चौथी क्लास में शायद मैंने कायदे आजम का बनाया था। अच्छा, क्योंकि वहाँ से शुरू किया हमने। वो स्कूल में होता है कि हम वहाँ पे चार्ट्स बनाने होते हैं, पहले शुरू में होता था इस तरह से, अभी भी होता है शायद। तो वो चार्ट्स हम बनाते हैं डिफरेंट तरह के, हम इस तरह की करते हैं, तो वहाँ से मैंने शुरू किया था। फिर ऐसा ऐसा चलते चलते वहाँ पर पूरे स्कूल के चार्ट्स मेरे पास आ जाते थे कि आप बना के दें, आप बड़े अच्छे बनाते हैं। फिर वहाँ से चलते चलते फिर चलते गए। अच्छा, नेशनल हीरोज़ के ही बनाए हैं? कभी कभी कोई और सीनरी खूबसूरत लगी हो, कुछ और खूबसूरत आपने चीज़ देखी है, कुछ और किसी और की भी स्केचिंग की है आपने? मैम, इसमें स्केचिंग के अलावा, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे पाकिस्तान में जो पेंटर्स का एक है कैलिबर है या एक रूट प्लान है, वो एक टिपिकल स्टाइल है कि आप स्केचिंग करें, पेंटिंग करें, कैलीग्राफी करें घर बैठ के, और उसको बाद एग्जीबिशन में लेके आएँ और आप आर्ट गैलरीज में ले जाएं और उसको सेल करें। मैं उसको एक डिफरेंट चीज़ लेके आना चाह रहा था। जैसे आपने इंट्रो में मुझे आप बता रहे थे कि अपसाइड डाउन एक नई टर्म है, लाइव स्पीड पेंटिंग एक नई चीज़ है कि आप उसको लाइव लोगों के सामने, क्योंकि ये हर किसी को शौक़ होता है देखने का। मैं समझता हूँ, मैं फील करता हूँ कि लोगों को ये शौक़ होता है कि किस तरह से एक पेंटर उसकी आंखें बना रहा है, कैसे उसका फेस बना रहा है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो चूंकि पेंटर्स उमूमन इस तरह से लाइव करना मुश्किल होता है, वो कई घंटे लगा के उसको तैयार करते हैं और उसके बाद लोगों के सामने वो लेके आते हैं। हमारा लाइव स्केच बना सकते हैं? बिल्कुल बन जाता है, लेकिन ये है कि मुझे चूंकि जैसा मैं आपको एक चीज़ पे मुझे इतराज़ है, ये सवाल मैंने क्यों किया आपसे पता है आपको? आपका नहीं बना मेरा नहीं बना। नाज़रीन को बताते चले कि ये रिक्शा का बहुत अच्छा स्केच बना कर लेकर आए हैं हमारे प्रोग्राम में, वो आपको दिखाएंगे भी और बल्कि वो देखते हैं अभी, लाइव ही देखते हैं। आप त्यासा जो आप, मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई, आप मेरा जो स्केच बना के लाए हैं वो तो मुझे दिखाएं वो जी। और अब ये आपको रिमशा का स्केच दिखाया जाएगा। मैं एक्चुअली वाओ, रिमशा ये लो, ये आपको दिया जा रहा है। थैंक यू जी। रिमशा ये तो वाकई में बहुत जबरदस्त बनाया। अच्छा, लेकिन इम्तियाज साहब ने मुझसे ये वादा किया है कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे या मुझे बुलाएंगे तो लाइव बैठ के मेरा वो स्केच बनाएंगे। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, आपका इंशाल्लाह, हम लाइव विद इन 5 to 3 मिनट हम जो है ना पोर्ट्रेट आपका। तो ये रिमशा का बनाने में कितना वक्त लगा आपको? ये चूंकि स्केचिंग है, स्केचिंग पे आपको काफी टाइम लगता है। खवातीन का वैसे भी थोड़ा मुश्किल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, खवातीन का कुछ मुश्किल नहीं। थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब हमारे शो में। इसके साथ ही साथ जो है हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। आपने क्या करना है, आपने हमें YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करना है, Facebook पे लाइक करना है, इसके अलावा आप Twitter Instagram पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।